भैया रायपुर में जो गर्मी है वो इतनी ज़्यादा है कि कूलर देखो बस थोड़ी देर बंद किया, अपने शक्ल में पसीने पसीने आ गए जी। अभी का जो अपडेट है वो कुछ ऐसा है, अभी तो दोपहर है, निकलूँगा नहीं कहीं क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है ना कि आदमी गाड़ी बाहर लेके भी गया ना तो ऐसा है ना कि हालत ख़राब हो जाएगी, वीडियो बनेगी नहीं, मोबाइल ऑलरेडी गर्म हो जाएंगे, कैमरे वगैरह जो है ऑलरेडी गर्म हो जाएंगे तो वो रिकॉर्ड हो गई नहीं। आज क्या है कि अभी फ़ोन आया हुआ था हेमंत सर का कि भैया शाम को 6 बजे लॉन्च इवेंट है, कल ही एक लॉन्च इवेंट अटेंड करके आए और आज फिर एक लॉन्च इवेंट पे जाना है जो कि है मतलब अपना जो है नहीं ये नहीं बताऊँगा कि कौन सा है, वो आपको आगे पता चल जाएगा वीडियो में। और ये जो वीडियो है शायद से लेट आएगी बिकॉज 3-4 जो वीडियो हैं वो वाराणसी वाले जो मतलब जर्नी गया था, हालांकि उतना ज़्यादा वीडियो तो मैं नहीं बनाया था लेकिन जितने भी हैं उसको अपन कंप्लीट करके सेट कर देंगे, उसके बाद में ये वाली जो वीडियो है वो आएगी। डेट याद कर लो 9 जून है, 9 जून के हिसाब से अब देखो कब वीडियो आती है। और अभी क्या है कि एक जो वीडियो है वो मैं एडिट कर चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, व्लॉग नंबर 55। और अभी मैं क्या है कि रिसर्च टैब देख रहा हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स है वो क्या सर्च करते हैं। ये काफ़ी अच्छा मतलब एक फ़ीचर दिया है यूट्यूब वालों ने, यहाँ से आप ना मतलब यूट्यूब की मतलब सर्च अक्रॉस भी चेक कर सकते हो और उसके बाद योर व्यूवर्स सर्चेस। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जो व्यूवर्स है वो क्या ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। जैसे कि इतनी सारी लिस्ट है, स्कॉर्पियो 2022 ईटिंग शो, ईटिंग लगभग देखा जाए तो मेरे जो मतलब रिव्यू चैनल है उस पर भी रहता है। हमारी जो नोट पैड है वो बाहर आ चुकी है, वैसे मैं अभी आपको टाइम बता दूँ, करीब 4 बजने वाले और अच्छी खासी नींद लेने के बाद अब हम रेडी हो चुके हैं। अब निकलना है अपने को, सबसे पहले तो जाना हीरो क्योंकि स्प्लेंडर का जो शूट है वो तो मतलब अभी बचा हुआ है, स्प्लेंडर का शूट करेंगे, उसको भी दिखा देंगे आपको कि उसमें मतलब कल क्या कि थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिखा पाए थे लेकिन आज आपको अच्छे तरीके से दिखा देंगे कि स्प्लेंडर में आपको क्या क्या चीज़ें नई देखने को मिलेगी। तो फटाफट से स्प्लेंडर का जो मिर्च मसाला है वो लिख लेते हैं, फिर चलते हैं पहले छत्तीसगढ़ हीरो, उसके बाद में फिर क्या है कि अपने को हेमंत सर से भी मिलना है। गोबरों को मैंने यहाँ पर चार्ज में लगा दिया है, हालांकि अभी इसकी जो मतलब माइक है लैब माइक मुझे लेनी है तो देखते हैं आज अगर हो पाया तो लैब माइक का भी जो जुगाड़ वगैरह है वो ले लेंगे, बिकॉज हेलमेट में चलते चलते बात करने में ना थोड़ी सी समस्या आती है तो लैब माइक रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये हम रेडी हो गए। अभी क्या था कि ना जैसे ही नहा दोगे सुबह ही नहा लिया था, रेडी हुआ वैसे ही भरत TVS से भी कॉल आ गया कि अभी आज जो है iQube की लॉन्च, अरे यार मैं बोल दिया, चलो iQube की लॉन्च इवेंट है तो यार आप आइएगा ज़रूर, अब दो जगह जाना है तो अब फटाफट से निकलते हैं। मेरे ख्याल से शायद से ही आज स्प्लेंडर का शूट हो पाएगा, वो नहीं भी हुआ तो अपन कल तो देख ही लेंगे। तो चलो फटाफट से निकलते हैं, सबसे पहले साई बोल रहा हूँ, अपन चलते भरत TVS, उसके बाद में फिर देखते हैं कि टाइम बचता है तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर कैंसिल करेंगे स्प्लेंडर को और कल शूट करेंगे स्प्लेंडर का। क्योंकि क्या था कि ना अभी के डेट में कोई भी रायपुर में अवेलेबल नहीं है, प्रशांत भी अभी नहीं है, प्रशांत भी अभी कुछ काम से मतलब बिलासपुर में ही रुके हुए, और विवेक भाई, प्रिंस भाई, इन लोग भी सब अपने काम काम में लटके हुए तो अकेले ही हमको जाना पड़ेगा। तो अभी हम हैं भरत TVS में और जस्ट मेरे पीछे आप देख रहे हो ये वाली, ये TVS की iQube जो है इसका लॉन्च इवेंट था, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था लेकिन फिर से बता दे, इसमें क्या है कि अभी 2 मॉडल्स आपको नज़र आएंगी, ये नॉर्मल वाली है, ये जो रेड कलर में ये नॉर्मल है, एंड ये वाली जो है ये S है, यानी स्पोर्ट्स वर्जन, ऐसा कुछ अपन मतलब अभी मेरे को अच्छे से नहीं पता है लेकिन मेरे ख्याल से ये S ऐसा कुछ स्पोर्ट्स को ही डिनोट करेगा। तो अब क्या है कि इसमें क्या क्या चीज़ें अब नई है वो तो आपको कंपैरिजन वीडियो मैं जब बनाऊंगा रिव्यू चैनल पे वो आपको उस टाइम में दिखा दूंगा, फिलहाल के लिए मैं आपको छोटा सा जो एक ग्लैंस है वो दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअल में TVS iQube
दिखती कैसी है। और एस जो है ना वो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी मुझे। प्राइसिंग यहाँ पर एक 30 इसकी है नॉर्मल वाली की, और एक 38 एक 40 के समथिंग की ये एस जाएगी। तो एस में क्या है कि जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी बड़ी है, यानी नेविगेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आप उसमें आराम से यूज़ कर सकते हो। चलो अब आपको छोटा सा एक जो ग्लैंस है वो दिखाते हैं कि एक्चुअल में आई क्यूब दिखती कैसे है। सो ये अभी आप देख रहे हो ये है इसका नॉर्मल वाला, मतलब TVS आई क्यूब इलेक्ट्रिक यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा। ये मतलब नॉर्मल कैसे है, यहाँ पर कोई एस वगैरह की बैजिंग नहीं है, लेकिन अगर आप एस देखते हो तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड एस लिखा हुआ आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है। तो ये डिनोट करता है, ये मतलब इसका टॉप ऑफ द लाइन रहेगा। इसकी प्राइस कम है और इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पर जो चाबी है, चाबी भी देख लो, इसमें क्या है कि जो जैक नाइफ की बोलते हैं वैसी टाइप का इसमें मिल जाता है। और एक जो है यहाँ पर लाइट मिल जाती है टॉर्च टाइप का, कुछ इस टाइप का देख सकते हो, इसमें टॉर्च टाइप का मिल जाता है। इसमें ये है वेव की, और इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको दिखाता हूँ। सो द इंटरफेस लुक्स लाइक दिस, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, देख लो वेलकम आई क्यूब ऐसा लिखा हुआ है। और ये सबसे पहले स्टार्टिंग में ही मतलब ये चार्जिंग स्टेटस बता दे रहा है। और यहाँ पर स्विचेस वगैरह ये आपको अच्छी क्वालिटी के देखने को मिलेंगे, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर यहाँ पर ये क्रोम के साथ में आता है। और ये यहाँ पर एक हुक देखने को मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बनाई है TVS की तरफ से इसको। एक जो चीज़ है इसमें जो मोटर है वो क्या है, इसके हब में आती है, ये देख सकते हो इसमें हब में आती है मोटर। अभी रेंज वगैरह मैं अच्छे तरीके से अभी देखा तो न्यू नहीं आपको बता नहीं पाऊँगा, फिलहाल आपको एस दिखाते हैं। तो एस कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर जो हेडलैम्प सेटअप है देख लो, ये LED में आ जाता है। और ये अलॉय व्हील आपने पहले भी देखा है जुपिटर में जो आती है अलॉय व्हील, वैसे ही टाइप का दिया हुआ है। एंड यहाँ पर जो मीटर कंसोल है ये थोड़ी सी बड़ी आ जाती है, मैं इधर से दिखाता हूँ। तो इसकी स्क्रीन और उसकी स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है ज़मीन आसमान का, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन दी हुई है। एंड जैसे ही आप इसको चालू करते हो तो इसका इंटरफेस और उसके इंटरफेस में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यहाँ पर देखोगे तो ये कुछ इंफॉर्मेशन मतलब ये बता रहा है, तो ये कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। तो ये पूरा सेटअप जो है ये आ जाता है डिजिटल के साथ में। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लाइट जलती हुई नज़र आ जाती है। बूट स्पेस आपको दिखाते हैं, एंड इसमें भी जैक नाइफ की है सेम, इसमें भी लाइट जलती है। और इसको अपन कुछ इस टाइप से खोल सकते हैं। एंड इसके नीचे में मिल जाता है चार्जर, यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग के लिए भी सुविधा मिल जाती है। और चार्जर आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी इसमें चार्जर मिल जाता है। तो आज मेरे ख्याल से शायद से ही अपन मतलब यहाँ से जा पाएंगे स्प्लेंडर की शूट के लिए। तो गाड़ी आप देख लो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह में काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें भी स्मार्ट एक्स कनेक्ट जो मतलब TVS देती है वो आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, यानी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में ये चीज़ आ जाती है। बाकी क्या था कि वहाँ पे बहुत सारे क्या नाम से अपने मित्र भाई लोग मिल गए थे, तो इस वजह से अपन ज़्यादा शूट नहीं कर पाए थे। ये वाली वीडियो को यहीं पर अपन क्लोज करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छी तरीके से आपको आई क्यूब जो एस है वो दिखाऊंगा, इसके फीचर्स वगैरह जो भी रहेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।